तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये है बजाज कंपनी का RS 200cc मॉडल है इसका, और ये ABS वाला बाइक है, BS4। इसमें हो रहा है क्या, मैं बताता हूँ। जो बाइक में बैटरी का सिस्टम होता है, बैटरी चार्ज नहीं दे पा रहा है। अब किस कारण से नहीं दे पा रहा है, किसका इसका रीजन क्या है, मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि बैटरी अगर चार्ज ना दे तो बहुत ही दिक्कत होता है। इस बाइक में एक्चुअली कीक नहीं है, और एक बैटरी चार्ज करके बार बार फीडिंग करे और बाइक चलाए, अचानक कहीं भी बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाए तो बाइक जैसे कि कीक नहीं है, सेल्फ स्टार्ट काम नहीं करेगा। तो इसके लिए ठेल के बाइक स्टार्ट करते हैं, और मेरे पास आया है, और ताज्जुब की बात है, जो बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद ठेल के बाइक स्टार्ट हो जा रहा है, बैटरी अगर खोल ले तो भी। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग क्या चेक करें, क्योंकि अगर बैटरी चार्ज टोटल में अगर चीज़ ख़राब रहे तो बाइक बैटरी खोलने से स्टार्ट नहीं लेगा, लेकिन बैटरी खोलने से स्टार्ट रह जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा रेगुलेटर चार्जर जो है इसका, हम लोग इनपुट लाइन चेक करेंगे, आउटपुट लाइन चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं मल्टीमीटर के साथ जो हम लोगों का अभी इनपुट लाइन कितना आ रहा है, बैटरी चार्ज कितना दे रहा है ये जो रेगुलेटर चार्जर है, तब हमको डिसाइड करेंगे तो इसमें एक्चुअली हुआ क्या है। क्योंकि हम लोग का आर्मेचर कॉइल होता है और रेगुलेटर चार्जर होता है, ये दोनों ही चीज़ है बैटरी चार्ज देने का कारण। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम पहले बाइक का इग्निशन को ऑन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताता हूँ। जैसे कि यहाँ लगाया, देखो मल्टीमीटर मेरा है, मल्टीमीटर में अब हम आपको दिखाएँगे जो इसको हम 20 में करेंगे, ठीक है। अब आपको दिखाएँगे जो मल्टीमीटर का पॉइंट यहाँ हम लोगों का स्टार्ट देने तक कितना हाई RPM आ रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, दो टर्मिनल यहाँ लगा के रखेंगे, ठीक है, लगा दिया है। तो 11V 74 आ रहा है, ठीक है, 74 आ रहा है। अब बाइक का हम स्टार्ट करेंगे, देखो वोल्ट से ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा 12V 5 6 9 पॉइंट आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। अब कपलर खोल के आप लोगों को इनपुट लाइन दिखाएंगे, और आउटपुट हमने तो देख लिया, अब चलो हम देखते हैं आउट इनपुट लाइन। तो सबसे पहले हम चेकअप करेंगे आर्मेचर कॉइल से कनेक्शन हम लोगों को मिल रहा है कि नहीं, फिर आप लोगों को बल्ब लगा के दिखाएंगे और मल्टीमीटर को शो करा के दिखाएंगे। यहाँ देखिए, दिखाइए इसको, मल्टीमीटर में शो कर रहा है, देखो तीनों वायर से मेरा वोल्ट ऐसे शो कर रहा है। अब हम चेक करेंगे ये लगा के, इसको पकड़ो, लैंप लगा के देखेंगे, अब इस वायर पे देखते हैं, तो यहाँ करंट बिल्कुल प्रॉपर से आ रहा है। तो मेरे दोस्तों आप लोगों ने देखा हम लोगों का इनपुट लाइन जो है आर्मेचर कॉइल बिल्कुल परफेक्ट है, और एकदम 100% मुझे ओके लगा। अब हम जैसे कि मुझे पता चल चुकी है बैटरी चार्ज ना होने का कारण जो रेगुलेटर चार्जर ही है, अब इस रेगुलेटर चार्जर को हम चेंज करेंगे, क्योंकि बैटरी चार्ज का साथ संपर्क ठीक नहीं हो पा रहा है। तो चलो हम आपको बताते हैं, 8mm का बोल्ट है, इसे हम खोलेंगे, ठीक है, दोनों नाट को खोल लिया है, और जैसे कि यह हमारे पास देखो यह है हमारा ओल्ड रेगुलेटर चार्जर, जेनुइन है, एकदम ओरिजिनल। ये आपको देख के पता नहीं चलेगा क्योंकि ब्लास्ट फर्स्ट नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़ा हीट हो रहा था, ओवर हीट हो रहा था, तो मुझे पहले ही शक था, लेकिन ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ देखो DT 40 2009, ठीक है, इसका कीमत है 1666 रुपया, किसका कीमत है 68 रुपये कीमत है 1668। तो चलो हम इसे खोलते हैं और आप लोगों को सेटिंग करके दिखाते हैं, और वोल्ट कितना आ रहा है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा मल्टीमीटर के साथ। तो ये मेरा न्यू है, तो मैकेनिक दोस्तों इसमें 14V आएगा, ठीक है, ये ओल्ड ओल्ड है और ये न्यू है, एकदम जेनुइन ओरिजिनल। तो चलो बाइक में सेटिंग करते हैं, और आप लोगों को सेटिंग करके मल्टीमीटर से आप लोगों को दिखाते हैं जो इसका हम लोगों का आउटपुट रेगुलेटर चार्जर का कितना वोल्ट आएगा और बाइक 100% चार्ज होगा। तो आप लोगों को पहले दिखाया था 12V 5 पॉइंट आ रहा था,
अब जैसे कि रेगुलेटर चार्जर न्यू डालने के बाद हम लोगों को 14 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं, कि वही बाइक है, वही आर्मेचर कॉयल है, सिर्फ फर्क है ये रेगुलेटर चार्जर। क्योंकि रेगुलेटर चार्जर अगर डाउन हो जाता है तो क्या होता है, ज़्यादा एम्पियर नहीं निकलता है और बैटरी चार्ज को चार्ज नहीं दे पा रहा है। तो चलो इसे सब कनेक्शन कर लिया है, अब हम आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल ही मल्टीमीटर के साथ सब कुछ शो करके। यहाँ देखिए इनपुट लाइन जो हमारा है, आउटपुट लाइन यहाँ कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में आके वाइट में ब्लैक हो जाता है, ठीक है। और आउटपुट मेरा यही है कलर, और इनपुट मेरा पीला कलर है तीनों। तो चलो हम मल्टीमीटर से आप लोगों को दिखाते हैं एकदम कितना क्या आएगा। तो चलो मल्टीमीटर पे कंटिन्यू पे किया, ठीक है। अब जैसे कि मल्टीमीटर को यहाँ रखिए और दो टर्मिनल लगाता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ देखो हम लोगों का अच्छी तरह से लगाओ, लूज कर रहा है, ठीक से लगाओ 11 वोल्ट, ठीक से लगाओ यार 11 वोल्ट। यहाँ देखो 67 आ रहा है, ठीक है। हमारे अगर बैटरी का चार्ज सिस्टम ठीक रहे तो 14 वोल्ट हो जाना चाहिए, तभी बाइक का बैटरी चार्ज होगा। तो इसका सिस्टम हम लोगों को अभी चेकअप करेंगे, तो चलो बाइक को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ लगा हुआ है और यहाँ हम पिकअप देंगे। लगाने का बाद बाइक का जो चार्जिंग है 14 वोल्ट आने लगा, ठीक है। तो इसी तरह से चार्जर का काम करते हैं।